दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। फर्स्ट बात, आज जो बात करेंगे आई प्राइम कैपिटल द फ्यूचर ऑफ फॉरेक्स ट्रेडिंग, फिन टच फॉरेक्स ट्रेडिंग। जो कंपनी है आप यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि अदरवाइज़ आपने कोई दूसरा प्लान किया है, जैसे कि CGA है, इसके अलावा टोन 24 है, तो आप सभी को कहना चाहता हूँ वहाँ पे विड्रोल क्लोज हो चुका है, वहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट मत करिए। $98 जो CGA एप्लीकेशन वाले मांग रहे हैं उनको मत दीजिए, ठीक है। आपका पैसा बच जाएगा, अगर आप दोगे तो भी आपका पैसा वहाँ पे जाने वाला है, ठीक है। तो उसके लिए ये बेस्ट प्लान है, और पूरे प्लान का मैं आपके सामने रिव्यू करने वाला हूँ, तो प्लान को एंड तक ज़रूर देखिए। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए आपके अपने YouTube चैनल को। इसके अलावा अगर आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट से यहाँ पे आइए, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, यहाँ पे आप ज्वाइन करिए, जहाँ से आपको हर एक आपको यहाँ पे अपडेट मिलती रहेगी हमेशा, जो क्रिप्टो ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग या फिर MLM प्लान के अकॉर्डिंग, ठीक है, यहाँ पे मिलती रहेगी। दूसरा, वजरेक्स में जो एक ट्रिक आने वाली है, जो BTT की न्यूज़ है, BTT क्लोज हो चुका है, या फिर आपको वजरेक्स में कमाने की ट्रिक भी यहाँ पे आपको मैं देने वाला हूँ आने वाले दिनों में, ठीक है। तो फटाफट से ज्वाइन करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड लाइक करिए, ठीक है। चलो बात करते हैं ट्रेडिंग के बारे में। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं, या फिर मान के चलिए कि OctaFX में हम ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। ट्रेडिंग करना एक आसान सा तरीका नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब भी आप ट्रेड करोगे आपको $5 या $10 का प्रॉफिट होगा ऑलरेडी, उसके बाद आपका पूरा का पूरा वैलेट साफ होगा, और ऐसा बल्कि आपके साथ बहुत बार हुआ भी होगा, ठीक है। बहुत बार हुआ नहीं, हो भी गया होगा। चलो अब बात करते हैं इसमें जो ट्रेडिंग प्लान क्या है, ठीक है। यहाँ पे इनके पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो समथिंग ओनली विथ प्रॉफिट करता है, ओनली विथ यहाँ पे ओनली ऑन प्रॉफिट जनरेट करता है, ठीक है। मैंने यहाँ पे $100 में स्टार्ट किया था और $100 मैंने बोर्ड का दिया था, ठीक है। मेरा जो अकाउंट है अभी लगभग $224 का हो गया है समथिंग 1 से 2 वीक्स में, ठीक है। तो आने वाले 30 दिन के अंदर यही अकाउंट मेरा लगभग 500 के प्लस होगा, उसके बाद में मैं विड्रॉल इसको कर लूँगा। समथिंग वन मंथ का मेरे को यहाँ पे रिस्क लेना है, 1 मंथ का जो मेरा कैपिटल है मेरे को यहाँ से विड्रॉल करना है, उसके बाद में जो प्रॉफिट होगा उससे ट्रेड होती रहेगी, ठीक है। कोई भी प्लान हो XYZ, आपको भी ऐसा ही करना है, कोई भी प्लान, ठीक है, वहाँ पे आपको ऐसा ही करना है। आपका जो कैपिटल है वो सबसे पहले सेव करना है, उसके बाद आप इसमें स्टार्ट कर सकते हैं। कोई भी जगह अगर आपका कैपिटल सेव होगा तो हाँ, आप हमेशा हर जगह से प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। जब आपका कैपिटल ही सेफ नहीं होगा तो बाद में आपका जो फंड होगा वहाँ पे आपको हमेशा लॉस होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर बात करते हैं तो आप इनका जो रिव्यू है वो आप रजिस्ट्री सर्च डिटेल्स में जाके आप खुद ही चेक कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गई बात, और अब बात करते हैं प्लान किस टाइप का है। डॉक्यूमेंट तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, CO VO जो भी हैं इनके बहुत सारे मिल जाएंगे। जो ट्रेड होगी अपने MT4 में होगी, और MT4 में आपको करना कुछ नहीं है, कैसे करनी है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं प्लान को। दोस्तों प्लान की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे 3 तरह का प्लान है। फॉर एग्जांपल स्मार्ट बोट है, दूसरा $40 का बोट है, और चौथा $100 का बोट है, जो सबसे बेस्ट है, ठीक है। स्मार्ट बोट की अगर बात करते हैं तो $20 के आसपास है, $40 का ब्रिलियंट है, और जेन्युइन बोट है जो 99.9 यानी $100 का हो गया। तीनों में जो प्रॉफिट होगा वो डिफरेंस प्रॉफिट होगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि यहाँ पे जब हम हमारी बोट को एक्टिवेशन करते हैं, ठीक है, बोट को एक्टिवेशन करते हैं तो यहाँ पे अलग अलग तरह का जो ट्रेड होगा, अलग अलग तरह का जो सिस्टम होगा, वहाँ से अपना यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट होगा, ठीक है। तो अब मैं आपको ये बताता हूँ कि किस तरह का तीनों बोट में डिफरेंस होगा, तीनों बोट में किस तरह का आपको यहाँ पे प्रॉफिट होगा। अगर बात करते हैं तो फर्स्ट बोट की, स्मार्ट बोट $20, ठीक है, यहाँ पे 15% इस बोट में अपना प्रॉफिट जनरेट होता है, 15% मंथली, और आधा परसेंट पर डे। और मिनिमम जो डिपॉजिट है $100 आपको MT4 में रखना है मिनिमम, उससे मैक्सिमम जो डिपॉजिट आप कर सकते हो वो ओनली $300 से ज़्यादा नहीं कर सकते हो। अगर ज़्यादा भी करोगे तो भी आपका यहाँ पे जो बोट होगा वो 15% ही
आपका जो रिटर्न देगा वो भी आपके $300 पे देगा, उससे ज़्यादा पर नहीं देने वाला, ठीक है। ऑटो ट्रेडिंग जो वन टी टू टू टी है, ठीक है, यहाँ पे अगर बात करते हैं ब्रिलियंट बोर्ड की, ठीक है, $40 का बोर्ड है, 30% मंथली प्रॉफिट है। तो यहाँ पे मिनिमम जो डिपॉजिट है एक मिनट, मिनिमम जो डिपॉजिट है $100 है, और जो मैक्सिमम है $1000 से आप ज़्यादा नहीं कर सकते हो। ऑटो ट्रेडिंग यहाँ पे भी है, और उससे सबसे बेस्ट बोर्ड है जो 5 स्टार है, बस यहाँ पे जो प्रॉफिट होगा वो 45% होगा। मिनिमम जो डिपॉजिट है यहाँ पे 100 100 USD है, मैक्सिमम डिपॉजिट नो लिमिट, यानी कि आप उसके बाद अनलिमिटेड आप यहाँ पे आपका जो फंड है वो बढ़ा सकते हैं। परंतु मैं आपको हर जगह यही बोलूँगा, पहले आपका कैपिटल सेव करिए, ठीक है, कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करो आपका कैपिटल सेव करिए। कोई भी कंपनी का, किसी भी कंपनी का ऐसे भरोसा तो रहता नहीं है, तो भी आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो इनका आपको मैं बताता हूँ कि जो किसी ने बताया नहीं है, 80% ऑफ ऑल नव डिपॉजिट अमाउंट्स विल बी एलोकेटेड कैपिटल अमाउंट, यानी कि 20% जो जो सिक्योरिटी बोर्ड में यहाँ पे लेगा, और सिक्योरिटी बोर्ड में वहाँ से आपकी ट्रेड होगी, परंतु सिक्योरिटी बोर्ड के लिए वो 20% लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर बात करते हैं कि आप बहुत बड़ा जो प्रॉफिट है वो जनरेट कर सकते हैं, वो कैसे करेंगे, चलो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया 15% बोर्ड का, और 30% और 45%, तीनों अलग अलग तरह की बोर्ड है। और यहाँ पे अगर बात करते हैं फर्स्ट लेवल, फर्स्ट लेवल अगर आपका यहाँ पे हो जाता है 30% का, ठीक है, फर्स्ट लेवल में आपका 30% का प्रॉफिट है, सेकंड लेवल में 20% का है, थर्ड लेवल पे 10% का है, फोर्थ लेवल पे 5% का है, और चार से छः लेवल का, ठीक है। यहाँ पे अगर 7 से 9 लेवल पे 3% है, 10 से 11 लेवल पे 2% है, और आपका यहाँ पे 15 से 20 लेवल का 1% प्रॉफिट है, जो बहुत ही बड़ा प्रॉफिट है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आप यहाँ पे किस तरह का प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। जब आप लीडर लीडर बन जाते हो, यानी कि $100 से अगर आप यहाँ पे डिपॉजिट करते हो MT4 के अंदर, तो आप यहाँ पे लीडर बन जाते हो। सुपरवाइज़र यानी कि $500 का आपका पर्सनल अकाउंट होना चाहिए। ग्रुप सेल्स की अगर बात करते हैं तो $1000 का होना चाहिए, आपका सेकंड लेवल भी यहाँ पे ओपन होता है, ठीक है। सीनियर मैनेजर की अगर बात करते हैं $1000 का होना चाहिए आपका खुद का अकाउंट। ग्रुप सेल्स $3000 का होना चाहिए, यानी कि आपका तीसरा लेवल भी ओपन हो जाएगा, यानी कि आपकी जो टीम से अर्निंग आएगी वो 60% आएगी, ठीक है। डिपार्टमेंट मैनेजर $3000, ग्रुप सेल्स $10000, यानी कि आपका छठा लेवल भी ओपन हो जाएगा। उसके बाद अगर बात करते हैं जो पांचवा लेवल, ठीक है, यहाँ पे $5000 का खुद का बिजनेस होना चाहिए। ग्रुप सेल्स $30000, यानी कि आपका नवा लेवल भी यहाँ पे ओपन होता है, ठीक है। तो ये सब लेवल डिस्ट्रीब्यूशन वाली बात है, परंतु मैं आपको वही बात बार बार बोलता हूँ कि आपका कैपिटल कहीं पे भी सेव करिए, ठीक है। अगर बात करते हैं एक 99 जो बोर्ड है लास्ट वाला $100 की, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके नीचे कोई भी बंदा अगर डिपॉजिट करता है, यहाँ पे अगर परचेज करता है 45% वो ईरान करता है $1000 से, ठीक है, $1000 से एक ईरान करता है 45%, यानी कि $450। अगर $450 वो 6 मंथ ईरान करेगा तो $2700 का उसका प्रॉफिट होता है, ट्रेडिंग प्रॉफिट, ठीक है। ये हो गया ट्रेडिंग प्रॉफिट। अब इसमें वर्किंग इनकम क्या है, वर्किंग क्या है वो भी आप देख लो। स्पॉन्सर जो बोनस है वो थोड़ा डिफरेंस हो गया है यहाँ पे, और जो वर्किंग इनकम है, वर्किंग इनकम है, मैं आपको बताता हूँ। अगर आपके नीचे यहाँ पे बताता हूँ 20 यूज़र आ जाते हैं 100 100 डॉलर से, या फिर हम मान लेते हैं चलो 500 500 से मान लेते हैं, तो 20 यूज़र का हो गया आपका $10000 होता है। डेली का प्रॉफिट यहाँ पे होता है $1500, यानी कि जो आपका डेली का प्रॉफिट होगा वो होगा 30% फर्स्ट लेवल पे गिन लीजिए आप, ठीक है, 30, और सेकंड लेवल भी आपका ओपन हो जाएगा क्योंकि 500 का आपका बिजनेस है, लेवल में आपका $10000 हो गया, यानी कि 50%, यानी कि $750 आपका यहाँ पे डेली का प्रॉफिट जनरेट होगा। जो ये प्रॉफिट है लेवल डिस्ट्रीब्यूशन वाला काम, वो बहुत ही बड़ा है, जो आप यहाँ पे वर्किंग करके भी यहाँ पे ईरान कर सकते हैं, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन वीडियो रजिस्ट्रेशन जो लिंक है वीडियो के डिस्कशन में,
वो आपको मिल जाएगा। फटाफट से ज्वाइन करिए और स्टार्ट करिए, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।